सिद्धार्थ कश्यप रेनाउंड म्यूज़िक कंपोज़र हैं, खुद भी जो हैं वो इंजीनियर रहे हैं, लेकिन वेरी वेरी टैलेंटेड। तो आज उनके जो एस के म्यूज़िक वर्क्स उनकी कंपनी है, ये यूट्यूब के ऊपर उनके 25 गाने कंप्लीट हुए हैं। एक गाना दूसरे गाने से बिल्कुल अलग है, उसमें हर एक गानों में उनकी काबिलियत, उनकी जो ब्यूटी है, उनके सोचने का तरीका है, वो सारा का सारा दिखता है। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट सिद्धार्थ जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और एक लंबा अंतराल उनके साथ में हमारे साथ में गुजरा। इनफैक्ट जो मेरा फाउंडेशन है, अभी फाउंडेशन, उसका जो गाना है थीम सॉन्ग, वो भी सिद्धार्थ जी ने बनाया है। उनका वर्किंग देखा है मैंने बहुत नज़दीक से, बहुत हार्ड वर्किंग है, और उनके साथ में जो लोग जुड़ते हैं उनका वो पूरा पूरा ख्याल करते हैं। मैं मीर रंजन नेगी, हॉकी प्लेयर, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एस के म्यूज़िक वर्क्स को देता हूँ। सर आजकल क्या चलाने की बात करें? 38 ईयर्स की नौकरी करने के बाद कस्टम्स की, मैं रिटायर होने के बाद मैं इंदौर चला आया हूँ। इंदौर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर 92 ईयर्स के हैं, मेरी मदर जो हैं वो 85 ईयर्स की हैं। तो अब एक ऐसा समय है जब मैं उनके साथ में रहना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं घर में बैठ गया, मैं कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ, और इसी के बल चलते हम लोगों ने अभी फाउंडेशन की नींव वहाँ पर भी शुरू की है। बहुत सारे लोगों को जोड़कर खेल के माध्यम से उनके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप जो हम लोग करते हैं हमेशा, वही कर रहे हैं। और खेलों का अच्छा माहौल है भोपाल, इनफैक्ट हॉकी का गढ़ रहा है वहाँ पर, बहुत सारी 3 एकेडमीज अभी भी चलती हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की हॉकी में मेरी दखलंदाजी हो, मैं वहाँ जाके एक नया बदलाव लेके आऊँ, पूरा खेल जगत में बदलाव लेके आऊँ। बदलाव जो आपने बात की, पहली आपके ऊपर बायोग्राफी बनी थी स्पोर्ट्स की, उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारी जी बनी, क्या कहना चाहेंगे? चक दे इंडिया जिस तरह से बनी थी वो अपने आप में एक मिसाल थी, एक मील का पत्थर थी, क्योंकि वो जो लड़कियां थीं उनको जिस तरीके से 6 महीने ट्रेनिंग दिया, एक एक सीन डिज़ाइन किया, और उस मूवी में बहुत लंबा समय लगा। जनरली एक मूवी को बनने में कुछ 3-4 महीने लगते हैं, लेकिन ये मूवी जो थी ये 2 साल में कंप्लीट हुई। तो आने वाली जो दूसरी मूवीज़ थी उनके ऊपर एक तरह से बाध्यता हो गई कि वो इतना अच्छी मूवी बना के दें। तो जो बाद में आई दंगल है, भाग मिल्खा सिंह भाग है, मेरी कॉम है, उसमें जितने भी एक्टर्स थे उन लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की, और इसीलिए वो मूवीज़ भी सफल हुई। खेल जगत में बहुत सारा कश्मकश रहती है, बहुत डिसिप्लिन रहता है, और ये जो सारा का सारा चीज़ें हैं ये लोग अपने से रिलेट करते हैं, तो लोग खेलों की मूवीज़ को पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि चक दे इंडिया का एक सीक्वल और आना चाहिए था। डांस में भी रुचि रखते हैं और डांस शो में काफ़ी आपने पार्टिसिपेट किया है, अभी आगे अभी कैसा है? चक दे इंडिया के बाद में झलक दिखलाजा में मुझे बुलाया गया था, यद्यपि मैंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होता है वो हर एक चैलेंज को लेके चलता है साथ में। लास्ट 4 में अपनी जगह बनाई थी, 12 कंटेस्टेंट थे। खेल जो डांस है वो भी एक खेल की तरह है बेसिकली। हमारे साथ में जितने भी कंटेस्टेंट थे उन्होंने सब ने कम से कम 10 से 12 किलो वज़न लूज़ किया, और जब भी मैं रिहर्सल पे जाता था तो मेरी 3-3, 4-4 टी शर्ट गीली हो जाती थी पूरी की पूरी। तो डांस जो है उसमें मज़ा है, मस्ती है, और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। सर